खास सेगमेंट, ये एक सेगमेंट है जहां किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे वो एक न्यूज लेकर आते हैं, और आज शरद के पास क्या न्यूज है आइए समझते हैं। शरद बताएं कौन सी न्यूज है आपके पास। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा उग्रो कैपिटल, और यहाँ पे जो है पाटनी फैमिली ऑफिस ने जो है लगभग 3% स्टेक अक्वायर की है कंपनी में, और ये याद रखिए ओपन मार्केट से परचेज हुई है पिछले दिनों में, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीएजी जो है सेलर रहा है। ऑफकोर्स कंपनी की 15 मई को एक मीटिंग भी है जहाँ पे वो कंसिडर करेंगे कैपिटल रेज इक्विटी और डेट द्वारा, और बड़े बाकी इन्वेस्टर्स के साथ भी जो है मीटिंग्स चल रही है। एंड ऑफकोर्स एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है लकी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, जो कंपनी प्रमोटेड है एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया से। इसके अलावा जो अहम इन्वेस्टर्स ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्टेड है, अगर आप इंस्टीट्यूशन की बात करें तो पीएनबी मेट लाइफ, इसके अलावा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और गो डिजिट इंश्योरेंस जैसे दिग्गज कंपनीज हैं। हाल ही में कैपिटल रेज भी हुआ था जहाँ पे 340 करोड़ मार्की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से आया था, 101 करोड़ QIP था, और अब 240 करोड़ की प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफरिंग थी जहां पे एक डैनिश फंड हाउस ने जो है पोजीशन लिया था। ऑफकोर्स जो ग्रोथ कैपिटल आ रही है वो ऑनवर्ड लेंडिंग में यूज़ होने वाली है, और इसके अलावा बैलेंस शीट में भी स्ट्रेंथनिंग देखने मिलेगा। हालांकि स्टॉक जो है एक स्मॉल कैप है, पर इसको ज़रूर HNI इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट, शुक्रिया शरद। यूग्रो कैपिटल क्या खबर है सेगमेंट में आज हमारी तरफ से ये शेयर, और आप देखिए करीब 2.25% तक की मजबूती प्री ओपन में यूग्रो कैपिटल में नजर आ रही है। ईटी नाउ स्वदेश हर रोज क्या खबर है सेगमेंट में, अब सुबह सुबह 9:05 पर इसी तरह की खबर, और साथ ही खबर गर्म है सेगमेंट तो है ही, जो कि दोपहर 3 बजे आपके लिए पेश करेगा। रत्नेश एक बार आप बताइए यूग्रो कैपिटल चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं, करीब 2% की मजबूती, और इसमें तो फंडामेंटली न्यूज भी आ रही है। ग्रो कैपिटल चार्ट में एक कंसोलिडेशन के बाद में एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 185-186 के टारगेट हमको नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 169 का, क्योंकि इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको 18 अप्रैल के सत्र में अच्छी देखने को मिली थी, अपने एवरेजेस के भी ऊपर रेट ट्रेड करने लग गया है। तो मुझे ऐसा लगता है 185-186 तो भी नियर टर्म में हमको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में भी एक क्लोजिंग के बाद में 200 रुपए तक के भी टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, तो 169 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल इसमें खरीदी कर सकते हैं। अब से कुछ दिन पहले जहाँ एक एक्सक्लूसिव खबर हमने बताई थी आपको, उसके बाद से इसकी मूव लगातार चल रही है, और अब इस खबर